So I have some patients जो डेढ़ घंटा अपने पूरे रिचुअल्स करते हैं शाम को सात बजे के बाद सारे घर की लाइटें बंद हो जाती है मेलेट्रोनिन जो हमारी ब्रेन से निकल रहा है वो माइक्रोग्राम्स में है अब ये जो मेडिसिन बन रही है वो टेन मिलीग्राम की बात सेकेंड ये स्लीपिंग पिल क्रिएट डिपेंडेंस तो ये मेमरी को बहुत डल कर देती है डिप्रेशन कर देती है इवन सुडल टेंडेंसीज कर देती है मैम आपने स्लीप के रिलेटेड अभी आगे आगे कहा कि, कि ये बिहेवियरल चेंजेस ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे राधर देन गोइंग स्ट्रेट अवे टू दिस गमीज सप्लीमेंट्स एंड ड्रग्स तो मैम मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि आजकल मार्केट में कई सारे स्टार्टअप्स हैं कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियाज़ हैं जो स्लीप गमीज़ या फिर कुछ मिलेटोनिन या फिर भी कोई भी मतलब कैमोमाइल टी या सब कुछ भी बेच रही हैं तो मैम इसमें क्या कितना हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसे यूज़ करते पहले दो बार सोचें या फिर ले सकते हैं वो मैं आपसे जानना चाहूँगा हमने जो अभी सारा डिस्कशन किया वो इसीलिए कि इंडिविजुअल को समझना है कि मेरी नींद क्यों नहीं आ रही तो कॉज इस पर फोकस करना है बार बार कि मैंने क्या किया अपने दिन में कि मेरी रात खराब है दैट इज़ नंबर वन सो सेकेंड इज़ कि मैं सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ अग्रीड अभी मेरे को किसी ने बताया कि आपको समझ नहीं आ रही जैसे खाना नहीं होता ना वैसे ही अगर नींद नहीं आए तो वैसा ही हाल है तो मैंने बोला आई अग्री विद यू कि वैसा ही हाल होता है बहुत बुरा हाल होता है बट हमको सल्यूशन सोचने से पहले ये सोचना भी ये है क्यों मेरे में स्ट्रेस बहुत हो गया कोई जॉब चेंज हो गया तो है लॉस्ट समबडी तो ठीक है वी विल गिव सम हेल्प फॉर अ फ्यू डेज या मैं दिन में बहुत सो गया सिंपल सारी चीज़ें अलग अलग कर लूँ तो कमिंग टू दीज थिंग्स सो कैमोमाइल टी लेवेंडर एसेंस ऑयल्स बाथ्स दे आर ऑल गुड फॉर जस्ट रिलैक्सेशन बट अगर एक दो दफा कुछ कुछ करना है ठीक है बट अगर आपको नींद नहीं आ रही कई रातों से नींद नहीं आ रही तो दो तीन महीने हो गए तो इनमें कुछ नहीं करने वाली फिर ये फिर बेटर इज टू सीक सम हेल्प बिकॉज तो तो ये चीज़ें और आपकी नींद के बारे में एंग्जाइटी कर रही हैं और एक हम एक दूसरे को बहुत सजेशंस देते हैं कि मेरे को तो ये काम चल गया था मैंने तो पैरों ठंडे पानी में डाले मसाज किया तुम भी कर लो तुम्हारे को भी आ जाएंगे तो वो जो एक दूसरे को मैसेजेस पास होते हैं दे आर क्रिएटिंग मोर ऑफ अ प्रॉब्लम सो आई हैव सम पेशंट जो एक डेढ़ घंटा अपने पूरे रिचुअल्स करते हैं <laughs> दो घंटे शाम को सात बजे के बाद सारे घर की लाइटें बंद हो जाती हैं बिकॉज उन्होंने सुना है कि लाइट्स बहुत खराब हैं सो so, ये सारी चीजें बहुत एंग्जाइटी पैदा कर रही हैं नींद के बारे में विच वी डोंट वॉन्ट तो अब ये रिवर्स चल पड़ा है कि जो करना है करो जो मर्जी है करो फोकस मत करो अगर आपको सिर्फ दो तीन चीज़ें फॉलो कर सकते हो वो मेजर चीज़ें फॉलो करो बट डोंट ऐड दिस कि अब मैं होम्योपैथी भी खा लूँ मैं मसाज भी कर लूँ मैं अपने कमरे में कैम्फर भी लाइट कर लूँ कैमोमाइल टी भी पी लूँ नॉट गोइंग टू वर्क मैम आजकल जैसे कि आपने कहा कि हेल्थ की हाइपर अवेयरनेस हो गई और हाइपर ऑप्टिमाइजेशन पे हम लोग चल रहे हैं तो मैम एक बहुत ही कॉमन सप्लीमेंट है वो मैग्नीशियम है तो लोग मतलब अच्छे से सोते भी हैं तो भी वो कहते हैं कि मैग्नीशियम लो तो वो और बेहतर होगा तो मैम ये मैग्नीशियम के एग्जैक्ट रिलेटेड आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि मैग्नीशियम so, और स्लिप इसका क्या लॉट्स ऑफ लिटिल मिनरल्स हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए जरूरी होते हैं अब ये सम ऑफ देम गेन लॉट ऑफ इंटरेस्ट तो इसमें कुछ स्टडीज हैं फेवर कुछ स्टडीज हैं अगेंस्ट बट अगेन दिज आर ऑल जस्ट एडिशंस तो ये जरूरी मानना कि अगर मेरे को प्रॉब्लम है तो ये मेरा सोलूशन है दैट्स कनेक्शन इज नॉट राइट वो भी खा रहा हूँ अश्वगंधा भी है सब कुछ है प्रॉब्लम सो सी का सोलूशन ऐसे मिलेटोनिन की hmm. हमने आगे बात की थी जो नॉर्मल हमारा का स्लीप हॉर्मोन जो कहते हैं है. तो मैम इसका सप्लीमेंट में कुछ मतलब नेचुरल होता है कि वो मतलब नेचुरल नहीं होता so, इसके सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा बन गए हैं बिकॉज स्लीप हैज़ बिकम लाइक अ बिग इशू फ्यू मिलियंस आर अफेक्टेड वर्ल्ड वाइड वो इसके लिए ऑब्वियसली स्लीप एड्स बहुत आ गई हैं अब मेलाट्र जो हमारी ब्रेन से निकल रहा है वो माइक्रोग्राम्स में है अब ये जो मेडिसिन बन रही है वो थ्री फाइव टेन मिलीग्राम की बन रही है एक तो ये है पर दूसरा तो कुछ जो ओवर द काउंटर मिल रही हैं उसमें हमें पता भी नहीं भी कितना है बिकॉज नो बडी इज टेस्टिंग सो so, अगर लेना है तो कितने मिलीग्राम थ्री फाइव इज मोर देन दज नो नीड टू गो बियॉन्ड इट नंबर वन नंबर टू इज कि हम देते हैं जिन किस लोगों में दे सकते हैं एक है जो जेट लैग है सो दैट साइकिल आपका थोड़ा सा सेट हो जाएगा कुछ दिनों के लिए ले लो बिल सेटल डाउन यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर सम सम्रेन विच हैटम एंड स्लीप रिलेटेड इशूज उनका स्लीप साइकिल थोड़ा ठीक करने के लिए uh, कई दफ़ा कुछ डिलेड स्लीप फेज बोलते हैं जो

मैम इसके बारे में एज अ स्लीप डॉक्टर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक आम इंसान को क्या ध्यान में रखना चाहिए रादर देन गोइंग टू टू दिस और कंसल्टिंग डायरेक्टली अ डॉक्टर सो इसके हमारे पास एक बड़ा डेफिनेशन है कि अगर आपको तीन महीने और हफ्ते में तीन दिन नींद बिल्कुल गड़बड़ है तो पक्का ये इंसोमनिया है तो आपको क्रॉनिक इंसोमनिया तो हेल्प चाहिए इससे अक्यूट इंसोमनिया भी होता है कि तीन महीने से कम बट हर हफ्ते तीन रात अगर नींद खराब हो रही हो तो एक तो ये हो गया अब अगर कि वो हेल्प चाहिए उसको सल्यूशन चाहिए तो पहले तो जैसे हम खुद अपना ही इंट्रोस्पेक्ट करें कि मेरा दिन और रात क्या है क्या इश्यूज़ है मेरी नींद के लिए कोई प्राइमरी स्लीप डिसऑर्डर जैसे स्नोरिंग है चोकिंग है रात को बिस्तर में जाने पे लेग्स में बहुत पेन है तो दीज़ आर सिम्टम्स के समथिंग एल्स इज़ हैपनिंग अगर आप अपने आप सेल्फ हेल्प करेंगे तो सेल्फ हेल्प होता है स्लीपिंग पिल्स खाना स्लीपिंग पिल्स का ये मेन इशू है कि एक तो कुछ समय के बाद इनका एफिकेसी कम हो जाता है कि जैसे आज मेरे को जो डोज काम कर रही है कुछ टाइम के बाद वो डोज़ काम नहीं करेगी तो मैं डबल करूँगी तो हमारे पास अभी मैंने पेशेंट देखी जो रात भर गोलियाँ खा रहे हैं बट दिन में पूरा दिन बेड में सो रहे हैं बट कह रहे हैं मैं नहीं सो रही सो so, वो डिज़ायर टू कीप इंक्रीजिंग तो so, ये मेमोरी so, को बहुत डल कर देती हैं डिप्रेशन कर देती हैं समटाइम्स इवन सुइसाइडल टेंडेंसीज़ कर देती हैं सो वन हैज टू बी केयरफुल कि मैं गोली अगर शुरू कर रहा हूँ क्यों शुरू कर रहा हूँ क्या डोज है कब तक खाऊंगा ये अपने आप थोड़ी अवेयरनेस आनी चाहिए मैम जैसे कि आपने कहा कि डिपेंडेंसी मतलब इसका एडिक्शन पोटेंशियल है मैम तो इसका हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए? जैसे कि आपने कहा कि हमें पहले से ही पता होना चाहिए कितने ड्यूरेशन के लिए मैं खा रहा हूँ क्योंकि जनरली क्या होता है लाइफ स्टाइल डिसीजे yeah. में जैसे डायबिटीज हाइपर टेंशन एक बार आपको डिटेक्ट हो गया तो मतलब जब तक आप मरोगे नहीं तब तक आपको कोई ना कोई फॉर्म में चाहे तो छोटा डोज में या फिर जो आपका डोज है वही आपको मेंटेनेंस डोज पूरी आजीवन लेना पड़ेगा तो ऐसा स्लीप रिलेटेड कुछ ऐसा है कि जो परमानेंट इसका होना चाहिए सो वी हैव क्रॉनिक इंसोमनिया सेम चीज है जो से डायबिटीज आपने बोला बट क्रॉनिक इंसोमनिया का मेन ट्रीटमेंट है बिहेवियरल थेरेपी सो ये क्लियर है कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है बिहेवियरल थेरेपी वी कैन ऐड सम मेडिकेशन बट मेडिकेशन का वही है कि क्या डोज में है कितनी ड्यूरेशन के लिए है ताकि तो हम एक डिसीजन लें कि हमने क्या करना है अगर हमने एंटी डिप्रेसेंट्स देने हैं कुछ आर के लिए देना है तो स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट देना है नॉट के एक दफ़ा शुरू कर दिया तो सारा टाइम चलता ही रहेगा दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे चलिए मिलते हैं